करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2024 मंडे। पिछले हफ्ते में जो करेंसीज में एक्टिविटी हुआ है उसका एक लेखा जोखा एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते में आपका 12 फरवरी से जो 17 फरवरी तक आपका एक्टिविटी 16 फरवरी तक जो एक्टिविटी हुआ है वहां पे ज्यादा कुछ डॉलर इंडेक्स का देखेंगे, ज्यादा कुछ मीन्स क्लोज वाइज ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। इन बिटवीन मंगलवार को एक अप मूव दिया था लेकिन वेंसडे ऑनवर्ड्स उसका सस्टेन कर नहीं पाया। करेंटली डॉलर इंडेक्स 104.35 लेवल पे। एंड वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स का, उसमें हम देखेंगे आरएसआई पर्सपेक्टिव से RSI जो है इन बिटवीन आपका 40-60 के रेंज में है। सो वीकली पर्सपेक्टिव में एक साइडवेज मोड में है एंड डेली पर्सपेक्टिव में इट इज होवरिंग अराउंड 60। यानी हमें यहाँ पे देखना है क्या ये 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं या नहीं। अगर नीचे आते हैं इन सच ए केस हमारा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देना है। लेकिन प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं यानी मार्केट इज वेटिंग फॉर फर्दर मोर क्लैरिटी। अगर हम जीबीपी डॉलर को देखेंगे, जीबीपी डॉलर करेंटली ट्रेडिंग एट 1.2596। पिछले हफ्ते जो 12 फरवरी से 16 फरवरी का एक्टिविटी है वहां पे जो वीकली परफॉर्मेंस आया है वहां पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। स्पिनिंग टॉप यानी प्राइस ट्रेडेड ऑन बोथ साइड्स बट गॉट रिजेक्टेड। यानी यहाँ पे 1.2683 हाई था ड्यूरिंग द वीक एंड 1.2535 लो था बट क्लोज एट 1.2598। यानी यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है। अगर हम डेली में देखेंगे तो डेली में प्राइस जो है 1.2525 ऑन द लोअर साइड एंड 1.2650 ऑन द हायर साइड, इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। यानी यहाँ पे क्लैरिटी इज मिसिंग। वी नीड टू वेट फॉर आइदर ब्रेक डाउन ऑन द लोअर साइड और ब्रेक अबोव 1.2650, उस तभी जाके कुछ क्लैरिटी हमें मिल सकते हैं। जीबीपी आईएनआर जो करेंटली ट्रेडिंग एट 104.52, पिछले हफ्ते में यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है यानी प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द टू साइड्स। सो यहाँ पे प्राइस का यानी एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। अगर वीकली आरएसआई देखेंगे इट इज एट 51.87। यानी दोनों साइड में एक रेंज बाउंड मूव करने का है, ट्रेंडेड मूव ऑन वीकली पर्सपेक्टिव एज ऑफ नाउ दिख नहीं रहा है। अगर डेली में देखेंगे डेली में वही सिमिलर टू जीबीपी डॉलर क्या हो रहा है, आपका नीचे के तरफ 104 एंड ऊपर के तरफ 105, इस बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी क्या है कि हमें प्राइस इस कंसोलिडेशन से बाहर निकल, क्या ये नीचे की तरफ देखेगा ब्रेक करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए जो एज ऑफ नाउ हमें मिल नहीं रहा है। ओनली स्लाइट कंफर्मेशन जो है डेली आरएसआई ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। यानी यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन प्राइस रिजेक्शन ये जो स्मॉल बॉडी लॉन्ग वीक कैंडल्स डेली बेसिस पे बना रहे, यानी इसमें बायर्स एंड सेलर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर विदाउट हैविंग एनी मेजर डायरेक्शनल पावर्स। यूरो डॉलर आपका कल के दिन अभी करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1.0765। पिछले हफ्ते में यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ये वाला कैंडल। प्राइस रिजेक्शंस ऑन बोथ द टू साइड्स ऑन द हायर साइड। सो यहाँ पे एक आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है जीबीपी
जहां पे प्राइस रिजेक्शंस एट अ लोअर एंड आर मोर देन द प्राइस रिजेक्शंस फ्रॉम द हायर एंड. दैट बीइंग द केस इट इज स्लाइटली पॉजिटिव द वीकली कैंडल. इसको अगर पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाते हैं, दैट इज 1.0806 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं, इन सच ए केस आपका यूरो डॉलर थोड़ा सा बुलिशनेस देख सकते हैं. अदरवाइज प्राइस डेली एक्शन पे हम देखेंगे तो डेली पर्सपेक्टिव में प्राइस को अगर हम एनालाइज करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका 1.07 ऑन द लोअर साइड एंड 1.08 ऑन द हायर साइड इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहे हैं. यानी प्राइस को इस जोन से बाहर निकलना है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर जाना है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज देना है, जो एज ऑफ नाउ कुछ दिख नहीं रहे. तो यहाँ पर भी हमारा जो मेजर क्लैरिटी है वो मेजर क्लैरिटी है नहीं. यूरो आईएनआर करेंटली 89.35. अगर हम वीकली कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बट प्राइस रिजेक्शंस ज्यादा हुआ है लोअर एंड पे. सो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिशनेस बन सकते हैं अगर ये पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर, दैट मींस 89.70 के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं. अगर हम डेली चार्ट को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे तो ये ऑन द लोअर साइड आपका 88.75, 89.00 ऑन द लोअर साइड एंड ऊपर की तरफ 89.70 से 89.80 के बीच में एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं. जब तक इस कंसोलिडेशन फेज के बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा. ओनली इनिशियल सम सिम्टम्स क्या है, डेली RSI ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40. क्या ये 40 में सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं, इन सच केस हल्का सा बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन जरूरी है. अभी आते हैं हमारा डॉलर येन. डॉलर येन में इट इज ट्रेडिंग एट 150.10. पिछले हफ्ते में जो एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ था बट प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 150.88. तो वहां पे प्राइस रिजेक्शन हुआ है. लेकिन अगर हम देखेंगे कि जापानीज इकोनॉमी इज एंटर्ड इनटू ए रिसेशन, यानी दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर में GDP कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे करेंसी पे भी प्रेशर है. और लेकिन BOJ इज नॉट कंफर्टेबल टू लेट इट अलाउ येन टू फर्दर फॉल. तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शंस को देखना है. कीपिंग BOJ's पर्सपेक्टिव, वी नीड टू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. येन INR को देखेंगे, ये बेस आउट कर रहे हैं करेंटली 55.30. वीकली अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो पिछले हफ्ते में एक नेगेटिव वीकली कैंडल बनाया हुआ है जो आपका सपोर्ट लेवल पे एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल के नजदीक बनाया हुआ है. बैक टू बैक 3-7 वीकली नेगेटिव कैंडल, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने आपका यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं. तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज एटलीस्ट थोड़ा सा पुल बैक. दिस इज एज फार एज द वीकली पर्सपेक्टिव. डेली पे प्राइस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं. अभी इसको बाइंग के लिए अगर देखना है तो डबल रेजिस्टेंस को आपको तोड़ना पड़ेगा. व्हाट इज डबल रेजिस्टेंस? ए ऐसा करके एक रेजिस्टेंस बनाया, इसको तोड़ के फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर एक रेजिस्टेंस बना के फिर रेजिस्टेंस को तोड़ेगा. ऐसा डबल रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी मे लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज. डॉलर कैंडी, डॉलर कैंडी करेंटली ट्रेडिंग एट 1.349. ये जो आपका 1.3350 ऑन द लोअर साइड एंड 1.3550 ऑन द हायर साइड इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट कर रहे हैं. वीकली कैंडल प्राइस एक्शंस को देखेंगे, कैंडल्स को देखेंगे
तो यहाँ पे बड़े बड़े विक्स दिख रहे हैं वीकली परसेंट, यानी प्राइस अच्छा खासा रिजेक्शन हो रहा है। जितने भी वीकली कैंडल से ये जो सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड उसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। कंसीडरिंग दिस एस्पेक्ट कैंडी इज एक्सपेक्टेड टू अप्रिशिएट, जब तक ये आपका 1.36 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देते। ऑसी डॉलर आपका करेंटली ट्रेडिंग एट 0.6538। पिछले हफ्ते में ये एक हाई वेव कैंडल या स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल बनाया हुआ है विद प्राइस एक्शन, प्राइस रिजेक्शंस मोर ऑन द लोअर एंड, दैट बीइंग द केस इसके हाई के ऊपर दैट मींस 0.6545 के ऊपर एक हल्का सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर डेली प्राइस एक्शंस देखेंगे ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, इसको बाइंग के लिए अगर हमें देखना है तो डबल रेजिस्टेंस रिजेक्शन के बाद ही लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। आपका CNH करेंटली ट्रेडिंग है 7.20, ये आपका जो रेजिस्टेंस है मींस प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है 7.20 करेंटली इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, इसके ऊपर देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के CNH में मूव टू 7.25, जो आपका 7.2350 तक गया था लेकिन उससे बाद फिर PBOC के एक्शन के लिए काफी सस्टेन करा है। लेकिन जब तक चाइनीज इकोनॉमी आपका मींस अच्छा परफॉर्म करना चालू ना कर दे तब तक CNH में प्रेशर रहेगा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो करेंटली ट्रेडिंग एट 83.51, वीकली अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे पिछले हफ्ते में स्लाइटली बुलिश कैंडल बनाया हुआ, यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट को देखोगे ऊपर हायर लोज बना रहा है। अभी अगर इस हफ्ते में ये 29 जनवरी वीक वाला हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, क्लोज देते हैं, यानी 84.10 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड फ्यूचर जो है एक्सपेक्टेड टू मूव हायर, ये और भी स्ट्रॉन्ग होने का पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये एक 84.30 84.50 इज एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल को पहले भी एक बार ब्रेक करने का ट्राई किया था 29 जनवरी को लेकिन फेल हुआ। अभी फिर पिछले 4-5 दिन से इसके नजदीक कंसोलिडेट कर रहा है, हमें देखना है इस रेजिस्टेंस ऊपर क्या कंसोलिडेट करते हैं या नहीं। US 10 ईयर ट्रेजरी 4.29, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था कौन सा 4.27 से 4.31, यहाँ पे आपका 13 फरवरी को टारगेट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ये जो कंसोलिडेशन इसके बाद क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ हमें देखना पड़ेगा। US 2 ईयर ट्रेजरी में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है 4.73, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। हाँ, आपका वेंसडे को FOMC मिनट से रात को हमारा इंडियन मार्केट का मिडनाइट को FOMC मिनट से जहां पे हमें ये पता चलेगा पिछले FOMC रेट डिसीजंस में क्या डिसीजंस या क्या क्या डिस्कशंस पॉइंट था, उसके बाद में हमें थोड़ा सा एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन आइदर डायरेक्शन। अभी आते हैं हमारा डॉलर रुपी करेंटली ट्रेडिंग एट 83.03, ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बेसिकली ये फ्रस्ट्रेशंस पे फ्रस्ट्रेशंस करवा रहे हैं रुपी ट्रेडर्स। यहाँ पे देखने वाला चीज कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहे हैं लेकिन बॉटम रॉक सॉलिड सपोर्ट में है 82.80 से 83.00 के बीच में। सो यहाँ पे एक अगर कुछ ट्रिगर के कारण अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं थोड़ा सा रूपी में मूव हायर, पहले 83.20 देन 83.30-85 की तरफ जाने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।